नमस्कार दोस्तों, हम अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बताएंगे कि जब भी आपको बाइक के लिए टाइम नहीं रहता सर्विस के लिए, तो आप क्या करते हैं कि उसका ऑयल चेंज करा देते हैं। तो ऑयल चेंज करा के आप काम चला देते हैं। तो इस तरीके से ऑयल के साथ साथ और क्या क्या ज़रूरी है जो आपको उसी दरमियान 5-10 मिनट में आपको यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, यानी 5-10 मिनट में आपका ऑयल के साथ साथ क्या चीज़ ज़रूरी है जो गाड़ी के लिए यानी परफेक्ट बेहतर सर्विस होती है, जिसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है और आप थोड़ा लेट लपेट भी हो जाते हैं, सर्विस के लिए टाइम नहीं रहता, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते हैं उसमें यानी क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप ऑयल चेंज कराते हैं, ऑयल के साथ साथ और भी क्या चीज़ें ज़रूरी होता है वो हम आपको करके दिखाते हैं। इस गाड़ी में हम इस ये बाइक है और इस गाड़ी में सर्विस के लिए टाइम नहीं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑयल निकालना है। ऑयल निकालेंगे नहीं रहता सर्विस कराने के लिए, हमें ये भी ज़रूरी होता है कि हम ऑयल जैसे चेंज कराते हैं उसी दरमियान हम बाइक का फिल्टर भी साफ़ कर दें, क्योंकि जो बाइक चलती है हवा और पेट्रोल दोनों मिक्स होकर के चलते हैं, और आपने ऑयल चेंज करा दिया पर इसका फिल्टर साफ नहीं कराया, तो आपको जितना सॉफ्ट गाड़ी चलना चाहिए जितना परफेक्ट उतनी नहीं चलती। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको हमने क्या किया, ऑयल चेंज कराया और ऑयल के साथ साथ ये फिल्टर, वैसे तो इसमें सूखा फिल्टर है जिसमें एयर मार सकते हैं, लेकिन एयर मारने मेरे पास सिस्टम नहीं है, तो हमने इसको ऐसे साफ करके हम इसको बांध देते हैं। जिस तरीके हमने फिल्टर साफ किया उसी तरीके हमें क्या करना है, उसका चैन भी हमको चैन और ब्रेक दोनों की सेट करना होता है, तो जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, सर्विस की ज़रूरत पूरी हो सके। और हमारे पास सर्विस का समय है तो हम उसमें फिर चैन भी साफ़ करेंगे और चैन कोर भी साफ़ करेंगे और ऑयलिंग भी करेंगे सब कुछ, लेकिन जब टाइम नहीं आपके पास तो आपको क्या करना है कि आज जैसे चेंज कराते हैं उसी तरीके चैन को भी सेट करवा लीजिए और ब्रेक को भी सेट करवा लीजिए। यहाँ हमने ब्रेक भी टाइट कर दिया,
और हमने देखा ये प्लक, अब प्लक ये बिल्कुल भूरा बना रहा है, तो इसलिए इसका एवरेज जो है वो सही है। अगर ये काला होता तो हम इसको क्या करते, इसके साथ साथ ट्यून कर देते इसका माइलेज भी, लेकिन इसका माइलेज सही आ रहा है तो इसे हमें कोई ट्यून करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके साथ साथ हमें क्या करना है, प्लग को भी साफ़ कर देना है धीरे से। इस तरीके से क्या करते हैं, प्लग को भी अच्छे ढंग से साफ़ कर देते हैं, और इसका गैप अगर कम ज़्यादा है तो उसको सेट कर दिया, और सेट करके हम इसको बांध देते हैं। बांधने से पहले बात करवा देते हैं कि कुछ भी इसमें धूल मिट्टी कचरा किसी तरीके से हो तो बिल्कुल निकल जाए। बांधने से पहले चलाते तो हमें महसूस हो जाता वायरिंग खराब नहीं, ये सब सही है, ये सारी भी वायरिंग। तो इस तरीके से हमें दोस्तों जब हमारे पास टाइम नहीं रहता है तो हमें क्या कराना, मिस्त्री के पास जाके ऑयल चेंज कराना है, उसी के साथ साथ फिल्टर साफ कराना है, और फिल्टर के साथ साथ चैन टाइट कराना है, ब्रेक टाइट कराना है, क्लच और ब्रेक आगे वाली इन ब्रेक, और इसको सेट कराना है, उसी के साथ प्लग भी खोलना है। और प्लग खोला, मिस्त्री खुलवा लिया और देखा कि अगर वो वाइट आ रहा तो ठीक है, अगर वो कालापन आ रहा उसमें तो उसको भी ट्यून किया, कार्बोरेटर सेटिंग किया, ठीक। इस तरीके से दोस्तों हम कम समय में और अपने टाइम को बचाते हुए इस तरीके से हमने क्विक सर्विस कर दिया, जिससे कि यानी हमारी प्रॉब्लम ना हो, रास्ते में किसी तरह का दिक्कत ना हो, और हमारे पास टाइम भी नहीं कि हम सर्विस करा सकें। तो लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि ऑयल चेंज कराते हैं और चल देते हैं, लेकिन ऑयल के साथ साथ दोस्तों ये भी उसी ऑयल के बीच में ये भी करवा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, जिससे कि हमारी जो भी कमियां होती, जो भी प्रॉब्लम होती आपकी, वो हम सुधार सकें।